विधायकों को भी लाता है, पैसे देता है, एलडीएम को देता है जो, और चलना चाहिए वोटिंग बैंकर को देता है पैसा। पैसों की भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलन दूंगा साले की। इन दिनों से मैं मुखर कर रहा हूँ। चल तू कितने के खाना नहीं खाया परेशानी है। राम पहाड़ा खुर्द के सस्मान के खिलाफ ग्रामीणों ने की शिकायत। ग्रामीणों का आरोप है कि नवंबर माह से उनको नहीं मिला राशन, छह माह से नहीं मिला केरोसिन। खबर पिछौर तहसील के पहाड़ा खुर्द से आ रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ग्राम पहाड़ा खुर्द में सेल्समैन के द्वारा दबंगई दिखाकर ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि 25 से 30 लोग आज कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बताया कि सेल्समैन की दबंगई के चलते उनको राशन नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते कई घरों में चूल्हा भी नहीं जला है। ग्रामीणों ने बताया कि सेल्समैन के द्वारा अंगूठा लगवा लिया जाता है, लेकिन राशन नहीं दिया जाता। यहाँ उनको नवंबर माह से राशन नहीं मिला है। वहीं उन्होंने बताया कि केरोसिन भी ट्रैक्टर वालों को बेच देता है। ग्रामीणों ने बताया कि वहां के अधिकारी जांच ना कराकर किसी अन्य अधिकारी से जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। करने आया था नवंबर से कोई राशन नहीं मिला, और तीन दिन से मेरे समाज के आदमी लोग बहुत गरीब हैं, जिनके घर पर चूल्हा भी नहीं जला, और कुछ आदमी है ना मेरे पास साथ में, वे उनने बेचारे ने खाया नहीं है, तो वे बेचारे ने घर छोड़ के आया हूँ। एक एक दो दो रोटी हम मेरे साथ में करीब करीब 25-30 आदमी हैं, तो एक एक दो दो रोटी खा के आए हैं। 7 बजे पिछली बार भी आए थे, मंगलवार को, अगले मंगलवार को आए थे, कोई सुनवाई नहीं हो। कहीं एसडीएम साहब को आपका जे आवेदन दे रहे हो तो वहाँ भेज दूंगा, तो एसडीएम साहब ने कोई सुनवाई नहीं करी। कौन से कहाँ के एसडीएम है? पिछोर एसडीएम नहीं सुनवाई करी, कोई नहीं सुनवाई करी। कल फिर भी गए तो अभी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। तो यहाँ पर सर भी सेल्समैन आ गया था, कौन आ गया था? सेल्समैन का भाई है साहब जी। क्या बोल रहा था? जे ध्वस देता है कि मैं तुमको अकेले अकेले करके नहीं मरवा के फकवा दूंगा, जे मुझसे बोलता है। हाँ, धमकी देने आया था, जे नेतागिरी बहुत बताता है। किसकी दम पे बताता है? विधायक के दम पे। क्या नाम है उसका? माननीय श्री के बी सिंह। तो ये बताओ, इसने मशीनों में अंगूठा लगवा ली तुम्हारे? मैं मशीन में अंगूठा लगवा लिया साहब, तुमको मिल जाएगा। और कुछ थोड़ा मतलब आधार कार्ड का सुन के है तो वे मैं जामे सेट करूंगा। कहीं जे नाम से इनने अंगूठा लगवा लिया, घर घर जाके नहीं कछु भाई पहुंच गए थे कंट्रोल पे, जिसके बाद में इसने नहीं दिया। कौन सी कंट्रोल चलाते हो? ये गांव वाले आए कलेक्ट्रेट में, ये बोल रहे हैं आपको राशन नहीं मिलेगा, क्यों नहीं दे रहे हैं? नहीं सर, राशन तो दे रहे हैं, जो लोग लेने नहीं गए, खुद लेने नहीं गए। खुद लेने जब कलेक्ट्रेट में वो लोग आ रहे हैं, कलेक्ट्रेट में इसलिए आ रहा है सर, मेरे पास अभी 2 माह का माल आया था, जो 4 माह का माल आएगा, जो आज आ रहा है मेरे पास, तो 4 माह का दे दूंगा इनको। आपने इनको नवंबर 2 माह का दे रहा था, इसलिए ये लेने नहीं गया मेरे पास। अब 4 माह का आएगा, 4 का दे। नवंबर से आपने 2 महीने का नहीं लेंगे, 4 महीने के लेंगे, तो 4 का आएगा, 4 का दे। 4 महीने 2 महीने का आ रहा था, इस महीने 4 महीने का आया। तो सर इसलिए ये भड़क गए, मतलब क्या है कि इनको 4 महीने का माल आना था, लेकिन वो मेरे पास नहीं आ पाया, भेज दिया का है। ये लोग आपके पास नहीं आ रहा, वो कलेक्ट्रेट से गाते हैं। हां सर, मेरे पास नहीं आया, मतलब इतनी दूर आ जाएंगे, वो राशन लेने नहीं जाएंगे। नहीं आया अभी का सर, नहीं आया। पिछले मंगलवार भी आए थे ये लोग, पिछले मंगलवार आए थे सर, मैंने कहा नहीं था कि सर मेरे पास 2 माह है, 2 माह का माल ले लो। आप मानते हो कि सरकार ने आपको 4 माह का खाद्यान्न नहीं दिया? नहीं सर, 4 माह का खाद्यान्न दिया है सर। वो क्या क्या फूड इंस्पेक्टर से नहीं आया था, वहाँ से नहीं आ पाया ना? कहाँ से? मतलब वहाँ से आया नहीं या उठाया नहीं? नहीं, गोदाम से नहीं आया था सर, गाड़ी नहीं थी, गोदाम से माल नहीं था। और 2 माह का? 2 माह का आ गया सर, वो बांट दिया। वो बांट रहा हूँ सर। बांट रहे हो? हाँ, नवंबर से नहीं मिला। नवंबर में? नवंबर से नहीं मिला सर, ये तो सुनते हैं सब। नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नहीं सब दिया है। 2 माह का आया है, 2 महीने है। इन पे एक भी पर्ची नहीं है? नहीं है हमारे पर्ची नहीं है, तो मेरे पास तो रिपोर्ट रखा है ना। तो इनने तो लिया नहीं है ना, इनके पास एक भी पर्ची नहीं है, बोले हमारे पास पर्ची नहीं है। अरे सर, जो पर्ची का नंगूठा लगवा लिए, स्याही से काला वो कर दिया, बस नहीं देता। का कहना है कि इनको राशन वितरण ठीक से नहीं होता है। मैं पिछोर ब्लॉक के हैं और पहाड़ा खुर्द की पंचायत है। इनकी जो भी शिकायत है उसका जांच करवा के संबंधित अधिकारी से कराएंगे। इनका कहना है कि जो वहाँ का जो स्थानीय अधिकारी, उससे जांच ना कराई जाकर किसी अन्य अधिकारी से करा दें,
तो इसका हम वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराएंगे कि इसकी जाँच की भी सीनियर अधिकारी से कराई जाए। सर इसमें बता रहे हैं कि पिछली मंगलवार को भी आए लोग आए थे आवेदन लेके और भी सुनवाई नहीं हुई, 7 दिन हो गए। इसकी जानकारी मेरे को नहीं, वैसे ही मैं जानकारी अवगत लेगी, इस पर कार्रवाई कराऊंगा। जानकारी सर आपको